Okay, let's start a very good morning. Good morning. We have already started with startup and registration. अभी ये session थोड़ा end में आ रहा है, ये chapter end होते आ रहा है. सबसे पहले startup का meaning क्या होता है? Starting any business from any zero level is a startup. ये एक general meaning है. But actually startup means जो 5 साल ही हुए कोई किसी company को या 5 साल से कम ही हुए actually. और दूसरा है कि turnover is less than 25 crore. थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया इनोवेशन इन्वॉल्व है एंड दे हैव रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप विद द गवर्नमेंट. तो ये आपका स्टार्टअप का टेक्निकल मीनिंग हुआ बेटा. उसके बाद हमने बोला हाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ स्टार्टअप. एप्लीकेशन कैन बी मेड ऑनलाइन और मोबाइल ऐप ऑन अ पोर्टल. और दूसरी बात है वो एप्लीकेशन के साथ आपको 6 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तब जाकर आप एक स्टार्टअप का दर्जा और रिकॉग्निशन मिलेगा. आर एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये कौन से 6 डॉक्यूमेंट्स हैं? रिकमेंडेशन फ्रॉम द इनक्यूबेटर्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस, रिकमेंडेशन बाय द इनक्यूबेटर्स इन द व्हाट कॉल्ड एज गवर्नमेंट इनक्यूबेटर्स, गवर्नमेंट फंडेड इनक्यूबेटर्स, और रिकमेंडेशन बाय द इनक्यूबेटर्स विच आर रिकोगनाइज बाय गवर्नमेंट, या फंडिंग लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फंडिंग लेटर फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स एटलीस्ट 20%, और पेटेंट इज रजिस्टर्ड, तब जाकर आपको स्टार्टअप का दर्जा मिलेगा. क्लियर बात है? उसके बाद बहुत सारे स्टेट सामने आकर अपने अपने पॉलिसीज बता रहे थे स्टार्टअप के लिए. अगर मैं बात करूँ उड़ीसा, करेक्ट है, राजस्थान, देन उत्तर प्रदेश, देन क्या आएगा, झारखंड, देन वेस्ट बंगाल एंड गुजरात. अगर मैं बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल का वेबसाइट वाला याद है? करेक्ट है बात. फिर कौन सा आएगा और? कर्नाटका बेस, करेक्ट. कर्नाटका में 80 लाख जॉब्स, ओके, एंड 25 सोशल कॉज प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए हमने स्टार्टअप एटलीस्ट एस्टैब्लिश करना चाहिए. 2000 टेक्नोलॉजी बेस, 600 प्रोडक्ट बेस, ऐसा कुछ हमने लिखा था. सिमिलरली और कौन सा स्टेट देखा हमने? गुजरात, करेक्ट है. गुजरात में क्या है, 3-fold स्ट्रैटेजी, इनोवेटर, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट, करेक्ट है. इनोवेटर्स को हेल्प कौन करेगा? इंस्टीट्यूशन. फंडिंग कहाँ से आएगी? गवर्नमेंट से आएगी. और क्या आएगा? राजस्थान में क्या था? 500 स्टार्टअप्स होना चाहिए, टारगेट है ये, और 50 इनक्यूबेटर्स एस्टैब्लिश करेंगे, है ना. और कौन सा? झारखंड में क्या बोला है? अलग अलग सेक्टर्स बोले थे ना इन्होंने, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, करेक्ट है बात, ये सब अलग अलग सेक्टर्स बोले थे, ठीक है. बट ये आपने फिर भी आपको याद है, दैट्स अ गुड साइन. ये आपको नहीं भी पढ़ना है बट स्टिल यू आर एबल टू आंसर इट. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वी हैव डिस्कस अबाउट क्या हुआ है, मुद्रा, ठीक है ना. दे मुद्रा के बारे में, इट्स अ पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल स्कीम्स थ्रू विच दे आर डूइंग रीफाइनेंसिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स एंड NBFC. मुद्रा के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसमें 3 कैटेगरीज है. सबसे पहला कैटेगरी क्या आएगा? शिशु, किशोर, तरुण, करेक्ट है बात, अप टू द स्टेज ऑफ ग्रोथ, और स्टार्टिंग फेज है या क्या है, और अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है, अप टू 50,000, 50,000 टू 5 लाख, एंड 5 लाख टू 10 लाख. ये जो लोन्स है इट इज़ विदाउट एनी सिक्योरिटी, एंड बेसिकली ये जो लोन्स है इट इज़ यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं करेंगे. सबसे पहले आपको एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको नियरेस्ट ब्रांच में जाना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, और वहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा. एप्लीकेशन के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लिस्ट करके देंगे, दैट इज़ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, देन बिजनेस प्लान कोटेशंस फ्रॉम सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर, अमाउंट इन्वॉल्व. सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ आपका बिजनेस का एड्रेस प्रूफ एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बैंक डिमांड कर सकता है. और उसके बाद जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा आपको मुद्रा कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा. ये मुद्रा कार्ड क्रेडिट कार्ड बेसिस है जहाँ पर आप बाइंग के टाइम पर वो कार्ड स्वैप कर सकते हैं. ये पूरा मुद्रा का कंसेप्ट कंप्लीट किया हमने, ओके. मुद्रा से पहले और क्या कंप्लीट हुआ बेटा? स्टेप्स फॉर स्टार्टअप, ये लास्ट में पढ़ा था हमने, करेक्ट है. अगर आप देखते हो स्टेप नंबर 1 क्या था, सिलेक्ट द राइट लीगल स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन, करेक्ट. स्टेप 2 क्या बेटा? एंड बिजनेस लाइसेंस. स्टेप 3 प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन. अब पहला 3 लीगल प्रोटेक्शन है,
फिर दो फाउंडर बेस है, फिर दो एम्प्लॉई बेस है, फिर थर्ड पार्टी है, करेक्ट है, फिर इन्वेस्टमेंट एंड कंप्लायंस। तो देखो फिर क्या आएगा, स्टेप फोर में फाउंडर इक्विटी एंड स्प्लिटिंग एंड वेस्टिंग, देन फाउंडर्स एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉयस, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट, ये आपके स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर अ स्टार्टअप। प्रेफरेबल क्या बेटा, कंपनी। विच फॉर्म, कंपनी फॉर्म। कंपनी कितने टाइप, थ्री, ओपीसी, पब्लिक एंड प्राइवेट, ये हमने पढ़ लिया था। उसके हमने ये भी पढ़े प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और चार्टर डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े हैं, दैट इज एमओए एंड एओए, ये भी खत्म हो गया, करेक्ट है। अब ये चैप्टर में बचा क्या, व्हाट इज द एंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, करेक्ट है। सबसे पहले फंडिंग लाने का तरीका, जो स्टार्टअप को पैसे लाने हैं तो वो कैसे लाएगा, ये एक बड़ा डिस्कशन है। ओके, दिखाता हूँ मैं फाइनेंसिंग ऑप्शंस। ओके, फाइनेंसिंग में पहले इक्विटी को पूरा डिटेल में पढ़ा है, फिर लोन्स को डिटेल में पढ़ा है, इक्विटी सबसे ज़्यादा है, बाकी लोन्स वगैरह ओके। लोन्स के बाद नेक्स्ट स्टेप थ्री एंड स्टेप फोर, ये नए तरीके अलग आए हैं, तो ये चार अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व है, दैट इज देयर इन योर मॉड्यूल। प्लस कंपनीज एक्ट में स्टार्टअप्स को क्या बेनिफिट है, और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर स्टार्टअप का क्या बेनिफिट है, ये चैप्टर एंड हो जाता है। सिंपल बात है, कंपनीज एक्ट में इनको क्या बोला है, क्या क्या इनको पहचाना गया है, मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, रियली स्पीकिंग नहीं पढ़ाना चाहिए यहाँ पे, वो ऑलरेडी वहाँ है, और इनकम टैक्स में क्या हिसाब है, ये दो चीज़ और है, पहले वो ख़त्म करेंगे, फिर फंडिंग को टाइम लगाएंगे, और फंडिंग को और एक सेशन जा सकता है, तो और एक सेशन में आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा मेरे साइड से, करेक्ट है बात। तो राइट डाउन हेडिंग, राइट डाउन हेडिंग, हेडिंग लिखना, जनरल एग्जामिनेशन पढ़ लिया ना, सिंपल प्रोसेस ये सब हो गया ना, हाँ ठीक है। तो आपको हेडिंग लिखना है टैक्स एग्जम्पशंस फॉर स्टार्टअप, टैक्स एग्जम्पशंस फॉर स्टार्टअप, टैक्स एग्जम्पशंस फॉर स्टार्टअप, ठीक है ना। अब ये क्या एग्जम्पशन है, पहले आपको मैंने खुद बताया था टैक्स हॉलीडेज फॉर थ्री इयर्स, करेक्ट है। तो सेक्शन यहाँ पे मेंशन किया 80IC, 80 सेक्शन सब आपके डिडक्शन एग्जम्पशंस पे, किस पे बेटा, एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन, सॉरी डिडक्शंस पे, नॉट एग्जम्पशन, करेक्ट है बात। डिडक्शन एग्जम्पशन में फ़र्क आपने पढ़ा होगा, करेक्ट है। डिडक्शंस है कि जहाँ पर भाई 80C अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा तो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, 80D मेडिक्लेम भरा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, 80E जो है एजुकेशन लोन्स पे जो सर पढ़ाएंगे आपको, करेक्ट है। एजुकेशन लोन अगर आप दे रहे हो तो उसमें इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट है। तो 80IC में, अगर 80IC में अगर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी एज अ स्टार्टअप रजिस्टर करता है तो उसको इनकम टैक्स 100% रिबेट, 100% माफ है, 3 साल तक वो ये बेनिफिट ले सकता है, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली उसका टर्नओवर इज लेस देन 25 करोड़, ये तो हमने ऑलरेडी बात की थी। तो ये जो है ना, ये 7 ईयर्स में कोई भी 3 ईयर्स के ब्लॉक में बेनिफिट ले सकता है, ये बेनिफिट 3 ईयर्स के लिए अवेलेबल है। यू हैव टू डिसाइड आउट ऑफ 7 ईयर्स विच 3 ईयर्स यू हैव टू सिलेक्ट, बट ये मैं डिस्कस करूंगा, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज इनकम टैक्स में आने ही वाला है एक तरीके से। दूसरी बात समझना, एक मैट का कंसेप्ट है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये क्या होता है मेरे साथ दूसरे सर बताएंगे ऑब्वियसली टैक्स वाले, बट मैं आपको थोड़ा ब्रीफ अप कर सकता हूँ बींग इन टू प्रैक्टिस, कि बहुत सारे कंपनी क्या कर रहे थे, एक्चुअल प्रॉफिट अलग है, बुक प्रॉफिट कम दिखा रहे थे। एक्चुअल प्रॉफिट 10 लाख, खर्चे वगैरह अक्रूवल करके वो बुक प्रॉफिट सब 1 लाख ही दिखा रहे, टैक्स बचा दी के, टैक्स आज नहीं भरना है उनको, बाद में भरना है, समझे मेरी बात। तो कंपनीज में क्या होता है, भले आपका लॉस है बट मिनिमम एक टैक्स आपको गवर्नमेंट को आज जमा करके रखना है। यू आर डीलिंग योर टैक्सेस बाय शोइंग अ डिफरेंट बुक प्रॉफिट, अभी आपको समझेगा नहीं, करेक्ट है। वो हम प्रैक्टिस में देख रहे हैं क्लाइंट्स क्या करके प्रॉफिट कम दिखाता है, तो इनकम टैक्स वाले दिमाग लगा है, भाई ये क्लाइंट क्या कर रहा है, रियल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है बट बुक प्रॉफिट इज समथिंग विच इज शोइंग वेरी लेस एंड इज पेइंग वेरी लेस टैक्स। लेट अस टेक अ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एंड कीप विद गवर्नमेंट, फ्यूचर में ये टैक्स का हम आपको एडजस्टमेंट करके देंगे, बट आज तुम्हें कम से कम इतना तो टैक्स भरना पड़ेगा भले आपके पास लॉसेस है। बट मैट का कंसेप्ट स्टार्टअप के लिए माफ है, इनको कोई भी मिनिमम टैक्स, पहली बात तो टैक्स ही एग्जेम्प्ट है, तो मिनिमम टैक्स का तो कंसेप्ट जान दो, लॉस हो या प्रॉफिट हो,
नॉर्मल कंपनी में लॉस है ना, लॉस है तो भी इनको एक अल्टरनेट टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा रखना पड़ता है। बोले सर क्या मजाक कर रहे हैं, लॉस है तो टैक्स क्यों भरेंगे? अरे ये लॉस आज है, फ्यूचर में तो टैक्स इनकम आएगा ना। तो वो लोग ने कंसेप्ट लाया, क्लियर कट बात है, मैट का, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अब ये मैट समझाने के लिए मुझे 3 सेशन लगेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एंड मैट आपको ऑलरेडी इनकम टैक्स में है, करेक्ट है। फिलहाल के लिए एज अ लेमैन समझना, आप एक कंपनी है और आपके बुक्स में लॉस है, लॉस होने के बावजूद अल्टरनेट टैक्स आपको भर के रखना है। ये टैक्स का एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे, गवर्नमेंट को पैसे आज दे के रखो, भले लॉस है हमें मैटर करता नहीं है। तो ये कंसेप्ट स्टार्टअप्स को फॉलो नहीं करना है, उनको कोई भी मैट भरना या मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया सेकंड बेनिफिट, समझे मेरी बात। पहला दो बेनिफिट इम्पोर्ट, बाकी सब एडिशनल है। पहला बेनिफिट 80IAC 3 साल के लिए टैक्स हॉलिडे। दूसरा मैट का कंसेप्ट फॉलो नहीं करना, इतना ध्यान में आ गया। देखो रीड करो, अंडर सेक्शन 80IC, अब कौन सा 80IC, इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पे कंपनी एक्ट थोड़ी ना आएगा, करेक्ट है। 80IC द स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2016, अरे गवर्नमेंट 2015 में तो आए थे, करेक्ट है कि भाई स्टार्टअप पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी इमीजिएटली जो अगला साल है उसमें उन्होंने इनकम टैक्स में भी अमेंडमेंट्स लाए, मतलब जब फाइनेंशियल एक्ट पास हुआ रहेगा तब तो स्टार्टअप के लिए अमेंडमेंट्स में उन्होंने कुछ ना कुछ बोला रहेगा ना, करेक्ट है। मतलब वहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो सूटकेस लेकर आया रहेगा, सूटकेस में बजट 2016-17 एग्जाम्पल, और वो लाकर उसने बोला रहेगा देखो हम स्टार्टअप को प्रमोट करना चाह रहे हैं, टैक्स बेनिफिट अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 80IC, और वो टाइम के बच्चों ने अमेंडमेंट में पढ़ा होगा ये, करेक्ट है बात। तो ये देखो अंडर सेक्शन 80IC स्टार्टअप इनिशिएटेड आफ्टर 1 अप्रैल आर एलिजिबल फॉर 100% रिबेट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल कोई टैक्स नहीं। द स्टार्टअप रिकॉग्नाइज अंडर इंडियन स्टार्टअप पॉलिसी, रिकॉग्निशन के पेपर वर्क, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लस 6 में से 1 डॉक्यूमेंट, याद आ रहा, कैन नाउ क्लेम टैक्स बेनिफिट इन थ्री आउट ऑफ 1st 7 years अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80IAC। कोई भी 7 में से 3 साल में आप इनकम टैक्स बेनिफिट लो, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड दैट द टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 25 CR, लिखो ये चीज। हाँ लिखो वहां पे लिखने का, बेनिफिट अंडर सेक्शन 80IAC बेनिफिट अंडर सेक्शन 80IAC बेनिफिट अंडर सेक्शन 80IAC उसमें लिखने का, टैक्स रिबेट 100%, टैक्स रिबेट 100%। ये फ्रैंकली मैं एक्चुअली कोई पढ़ाता नहीं है, पढ़ाता मतलब ये क्या है, ये बोल देंगे भाई उधर रेफर करो, बट थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं उतना कर लेंगे अपन, सही कि नहीं। टैक्स रिबेट 100% फॉर 3 years, टैक्स रिबेट 100% फॉर 3 years। नेक्स्ट पॉइंट उसी में, मतलब उसी का नेक्स्ट पॉइंट, द बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड इन 3 years, द बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड इन 3 years आउट ऑफ एनी 1st 7 years, the benefit can be claimed in 3 years out of any first 7 years, out of any first 7 years, 7 साल में से कोई भी 3 साल में आप क्लेम करो, वहां पर लिखना है। हाँ हाँ ठीक है ना, स्टार्टअप का जो आपको ये है कि इनकॉर आपने स्टार्टअप के लिए आप जब रजिस्टर करने जा रहे हो तब आप देखते हैं कि आप कितने पुराने हो, 2 साल पुराने, 5 साल, जब पहली बात तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट चाहिए तो आपको पहले स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर करने जा रहे तो आप कितने पुराने और कितने नए हैं ये देखा जाएगा। आप 10 साल पुरानी कंपनी है तो स्टार्टअप का दर्जा ही नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स आएगा ही नहीं, समझे मेरी बात। आप 2 साल पुरानी कंपनी है, आप आगे बहुत काम करने वाले, तो आज आपने स्टार्टअप के लिए अप्लाई किया है क्योंकि 2 ही साल हुए आपको, और आगे जाके 7 साल में कोई भी 3 साल में आप बेनिफिट ले सकते हैं। व्हेन यू रजिस्टर यू सी हाउ
फार अवे यू आर, कितने पुराने आप, और रजिस्टर हो गए, उसके आगे के 7 साल में आपको कोई भी 3 साल में बेनिफिट लेना है। एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ, ये पॉलिसी आई 2015 के आसपास चल रहा था, ठीक है ना, 2015 में मोदी गवर्नमेंट आया, इन्होंने अनाउंसमेंट्स किए, करेक्ट है। अब 2015 में पोर्टल बना, लोगों को रजिस्ट्रेशन करने बोला। अब कोई कंपनी 2010 की आके स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर रही है, कोई कंपनी 2005 की आके स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर रही है, तो नो स्टार्टअप, तो टैक्स तो बहुत दूर की बात है। दो 2013 की कंपनी स्टार्टअप की, यस स्टार्टअप, दो ही साल हो गए। अब आगे के 7 साल 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यहाँ तक कोई भी 3 साल में तुम बेनिफिट लो, समझे मेरी बात को, करेक्ट, लिखो उसमें, उसी में लिखना, द टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 25 करोड़, द टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 25 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर अप टू 31st March, टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 25 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर, इन एनी फाइनेंशियल ईयर अप टू 31st March 2021, एनी फाइनेंशियल ईयर अप टू 31st March 2021, हाँ, एनी ईयर्स, एनी 3 years आउट ऑफ 1st 7 years, आगे 50 साल कंपनी चलने वाली है। आज आपने इतना बढ़िया बिजनेस आइडिया लाया कि आपकी कंपनी बहुत फंटास्टिक चल रही है, तो वैसे भी वो बेनिफिट सबको नहीं है जिनकी 25 करोड़ से कम है। तो इन शॉर्ट मीडियम स्टार्टअप्स की बात चल रही है या स्मॉल स्टार्टअप्स की बात चल रही है, लार्ज जिनका भी ओला उबेर टर्नओवर ही उनका 1000 करोड़ है, तो उनको इनकम टैक्स बेनिफिट है क्या? नहीं है। तो कोई भी छोटे स्टार्टअप्स है और जो आगे के 7 साल में कभी भी 3 साल का बेनिफिट ले सकता है, प्रोवाइडेड उनका टर्नओवर 25 करोड़ से कम है, कोई भी 3 साल रैंडम, ओके। तो सेक्शन 80IC खत्म हो गया बेटा, समझे मेरी बात। अब मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, बहुत सारे कंपनीज को लॉसेस होने के बाद भी नॉर्मल इनकम टैक्स नहीं भरना है बट मैट भरना है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। गवर्नमेंट ने दूसरा रास्ता निकाला, एक विंडो बंद है टैक्स आने का, तो दूसरा भाई लॉस है ना, कोई बात नहीं, आज तो इतना टैक्स दे के रख, बाद में देखेंगे, समझे मेरी बात को, ओके। बट स्टार्टअप्स को पहले 5 साल के लिए मैट एप्लीकेबल नहीं है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एप्लीकेबल नहीं, एक तरीके का टैक्स से समझ लो, ओके। तो सेकेंड पॉइंट लिखना, मैट एग्जम्पशन, सेकेंड हेडिंग, फर्स्ट बेनिफिट क्या था, टैक्स एग्जम्पशन अंडर 80IC, करेक्ट है। उसके बाद अभी क्या लिख रहे हैं, मैट एग्जम्पशन, मैट अपना वो खल पैर का मैट नहीं बोल रहे, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वहां लिखना, फाइनेंस मिनिस्टर हैज अश्योर्ड टू प्रोवाइड, फाइनेंस मिनिस्टर हैज अश्योर्ड टू प्रोवाइड Finance Minister has assured to provide exemption, MAT exemptions for the first 5 years, if startup fails to make profit. If startup fails to make profit, एक तरीके का टैक्स है, अभी ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये क्लियर बात है, नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। और एक चीज है, गवर्नमेंट ने ना कुछ बॉन्ड्स इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए जिसमें कैपिटल गेन्स आपको लगेगा ही, गवर्नमेंट बोलता तुम इस बॉन्ड्स में पैसे लगाओ, ठीक है ना, हम स्टार्टअप्स में देने वाले अल्टीमेटली, तो तुमने इनडायरेक्टली स्टार्टअप को पैसे दिए, और अगर आप पैसे लगाते हो वी विल एग्जेम्प्ट यू कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स टैक्स आपको चार्ज नहीं होगा, समझे मेरी बात। सर वो क्या स्कीम है, इनकम टैक्स में आएगा, वहाँ पे पूरा कैपिटल गेन एक चैप्टर है, इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, STT पेड नॉट पेड, लिस्टेड सिक्योरिटीज, प्रॉपर्टी, गोल्ड, कार, डिप्रिसिएबल एसेट, शॉर्ट टर्म, अपने आप में एक अलग टॉपिक है ना, समझेंगे मेरी बात, हुआ है क्या आपका, तगड़ा टॉपिक है,
मजा आएगा आपको, ठीक है ना बात। तो उसमें एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54EC, 54F ये सब पढ़े मैंने, मैं देखा है और मुझे प्रैक्टिस में भी देख रहा हूँ, तो इससे मैं बोल पा रहा हूँ। तो ये क्लियर है, एग्जम्पशन हैज बीन मेड अगेंस्ट कैपिटल गेन्स। कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, गवर्नमेंट स्पेशल फंड्स है, करेक्ट है, जहाँ पर आपको बेसिकली क्या होने वाला है, एग्जम्पशन मिलेगा और उसकी अमाउंट भी ज़्यादा अलाउ की है कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो भी एग्जम्पशन है, करेक्ट। लिखो नीचे थर्ड पॉइंट, एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स। एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स, सिंपल भाषा में बोलूं क्या, देखो अगर मैंने 2000 में एक फ्लैट लिया, 2000 में एक फ्लैट लिया था मैंने 10 लाख का, एग्जाम्पल 2019 में या 20 में मैंने फ्लैट बेचा सपोज 20 लाख का, एग्जाम्पल इतना कम में नहीं होता बट एग्जाम्पल। तो मैं पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, अब लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन आप पढ़ोगे कि 3 इयर्स एंड अबाव, 2 इयर्स एंड अबाव तो लॉन्ग टर्म, 2 इयर्स एंड लेस तो शॉर्ट टर्म, अलग अलग डेफिनेशन है। तो ये फिलहाल 20 इयर्स हो गए, अब मैं क्या करूँगा, 10 लाख पे महंगाई भत्ता मतलब इन्फ्लेशन ओके इंडेक्सेशन चार्ज करूँगा, ये सीखेंगे अब। तो 20 लाख में बेचा, 10 लाख में खरीदा, 10 लाख का इंडेक्स्ड वैल्यू निकालूंगा, इंडेक्स्ड वैल्यू मतलब अलॉन्ग विद इन्फ्लेशन रेट जो गवर्नमेंट ने एक स्लैब रेट्स दिए। तो ये 10 लाख तब का आज कितना है, वो आ रहा है सपोज 15 लाख, तो मैंने 20 लाख में बेचा, इंडेक्स वैल्यू 15 लाख, कैपिटल गेन्स 5 लाख, 5 लाख, समझे भैया, मतलब मेरा गेन कितना हो गया, 10 लाख गेन नहीं हुआ, कितना हो, 5 लाख। अरे भाई तब का 10 लाख और आज का, अरे आप FM पढ़ रहे हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अरे तब का 10 लाख आज का 20 लाख डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं क्या, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, ये तो सबको मालूम है। आज जैसे अपने पेरेंट्स बोलता ना, हमारे ज़माने में 100 रुपये में हम ये कर लेते थे, तुम्हारे ज़माने 100 रुपये क्या कुछ कचरा ही रखा है तुम लोग ने, समझे मेरी बात। अरे वो तब उनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का डिफरेंस बताना पड़ेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ऑब्वियसली उनको मालूम है, मजाक में बोल रहा हूँ, करेक्ट है। तो अब बोलते ना, मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे हमारे ज़माने में हम 2 रुपये में मूवी देखते थे, मतलब मूवी जाते थे, वही बड़ी बात है, तब का टाइम वैसा था ना यार, आज कॉमन चीज़ है, अपने टाइम पे 100-200, अरे मूवी मतलब 1000 रुपये लग जाते यार पॉपकॉर्न मंगाए तो, समझेगा मेरी बात। तो अभी एक तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हमारे ज़माने का जो 100 रुपये और आज के ज़माने के 100 रुपये में फ़र्क है, तो वो 10 लाख तब के ज़माने का 2000 का और आज का 10 लाख में फ़र्क है। तो इसको महंगाई भत्ता लगाओ, इन्फ्लेशन लगाओ, इंडेक्सेशन लगाओ, ये 15 लाख हो गया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपको सिखाया जाएगा, करेक्ट है। तो मेरा गेन कितना हो गया, 5 लाख। अब मैं 5 लाख के ऊपर सपोज 10% टैक्स, कैपिटल गेन सपोज 10%, जो भी होगा 10-15% है उधर, सपोज 15% टैक्स है, तो मेरे को 5 लाख पे 15% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 75,000। बट अगर मुझे 75,000 नहीं देना है, ये 5 लाख रुपए मैंने गवर्नमेंट के फंड्स में लगा दिया, गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म फंड्स में लगा दिया, मेरे को टैक्स माफ कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, समझे मेरी बात। तो कैपिटल गेन्स एग्जम्प्ट हो जाएगा, इतना समझे। तो ये एग्जम्पशंस है, अगर आपने गवर्नमेंट के फंड्स में लगाया तो आपको बहुत सारे कैपिटल गेन्स से एग्जम्पशंस मिलेंगे, समझे। लास्ट एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है, आज खरीदा था ओनर ने, जो भी ओनर रहेगा उसने सपोज 40 लाख में खरीदा था, ओनर ने प्रॉपर्टी बेच दिया 2 करोड़ में, अब ओनर ने 40 लाख में खरीदा था 1990 में, एग्जाम्पल ओके, और आज क्या चल रहा है 2020, तो ये बिका 2 करोड़ में, 40 लाख को महंगाई भत्ता इन्फ्लेशन लगाएंगे तो 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ में बेचा, गेन्स कितना हो गया 1 करोड़, 1 CR पे 15% टैक्स, 15 लाख। अब ये ओनर को अपना टैक्स बचाना है, जो भी गेन हुआ है 1 करोड़ का गवर्नमेंट के फंड्स में लगा दे भाई, गवर्नमेंट फंड मतलब बॉन्ड्स, नेशनल हाईवे बॉन्ड्स एंड ऑल दैट फंड्स लगा दे, उसमें देखो 8-9% इनकम आता रहेगा, बट वो लॉन्ग टर्म है, ब्लॉक हो जाएगा 5-10-15 साल के लिए बाद, बट तुझे अब 15 लाख टैक्स भरने की जरूरत, समझे मेरी बात। बस वही यहाँ पे चल रहा है, वही चीज़ चल रही है, देखो रीड करो, ये सब टैक्स में आएगा, मेरा काम है नहीं। एग्जम्पशन हैज बीन मेड अगेंस्ट कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट स्पेशल फंड्स विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट। जब मैंने फ्लैट बेचा, प्रॉपर्टी बेची, तो आपका पैसा गवर्नमेंट को दिया जाएगा, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा आपका पैसा, करेक्ट है। द इन्वेस्टमेंट मे अप गो अप टू इंडियन रुपीज 50 लैक्स एंड एग्जाम
that for further 3 years. वो पैसा ब्लॉक रहेगा 3 साल तक, बट आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. ऊपर ऊपर बता दिया, जरूरत नहीं था. ये मैं आपको मार्क करके बोल सकता था कि इट्स नॉट माई पार्ट, बट स्टिल आई हैव सेड. ओके, तो थर्ड लिखो उसमें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विल बी इन्वेस्टेड will be invested by the government special funds by the government special funds, theek hai na, which can be up to ₹50 lakh, which can be up to ₹50 lakh and which can be up to ₹50 lakh tak ka investment allowed, and exemption will be available for 3 years. अब पुराना डेटा दिया है 14-15 का, 14-15 में टैक्स रेट 29% था, इंक्लूडिंग सरचार्ज, सेस एंड एवरीथिंग. जो भी नई डोमेस्टिक कंपनीज थी, अब वो तो पुराना डेटा है, जरूरत नहीं था, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, ओके, फाइनेंशियल ईयर 14-15 में दे विल बी लाइबल फॉर 29% अलॉन्ग विद सरचार्ज एंड सेस. अब बोलेंगे सर अब तो 25% है, अभी कम हो गया ना, और भी कंपनीज के रेट्स कम कर दिए टैक्स के, बट फिर भी तब 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस बड़ी अमाउंट हो रही थी, तो वो फ्लैट 29% कर दिया गया था. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेटा है कि 14-15 में हमने क्या किया था स्टार्ट करने के लिए. अभी फिर से कुछ 25% प्लस सेस वगैरह किया हुआ है, अभी के भी टैक्सेस आपको ज़्यादा पता है तो आप वहाँ के हिसाब से लिखोगे. स्लैब रेट्स क्या है, कंपनी में स्लैब रेट होता नहीं है, बट उसमें टर्नओवर बेस सरचार्ज सेस वगैरह होता है, तो आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मोटिवेट द मैन्युफैक्चरिंग एंड द कंपनीज टू कम अप एंड डू बिजनेस, ये उनका बोलने का अर्थ है, तो ये भी पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है. दैट्स इट. तो ये टैक्स एग्जम्पशन अंडर इनकम टैक्स खत्म हो गया बेटा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है. 3 चीज़ आपको ध्यान में, 80IAC लिखना है, करेक्ट है, मैट के बारे में लिखना है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में लिखना है. स्लैब रेट्स वगैरह टैक्स रेट आप एग्जाम में अपने मन से लिख कर आ जाओ, जो आप वहाँ से रिस्पेक्टिवली अपडेटेड पढ़ोगे. समझे मेरी बात, करेक्ट है. अब कंपनीज एक्ट में क्या बेनिफिट दिया है स्टार्टअप्स को, कंपनीज एक्ट के तहत इनको क्या बेनिफिट है, राइट डाउन हेडिंग, एग्जम्पशंस टू स्टार्टअप अप टू 5 ईयर्स क्या होता है के रजिस्टर करना है एज अ स्टार्टअप, तो वो 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अरे जब रजिस्टर कर रहे तब देख रहे कि पुरानी कंपनी है क्या नहीं, एक बार रजिस्टर हो गए, नहीं नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देखा जाता है कि वेदर यू आर ओल्ड बाय 5 ईयर्स और न्यू विद इन 5 ईयर्स. उसके बाद गवर्नमेंट जैसे जैसे स्कीम्स देता रहेगा, लेते रहो खाते रहो. समझे मेरी बात, ओके. तो वहां लिखना, exemptions to startup under companies act, exemption to startup under companies act, exemption to startups under companies act. सबसे पहला सिंपल एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 याद आ रहा है, यहां पर कोई भी साइन कर लो, सीएस साइन करो, सीएस नहीं है तो डायरेक्टर साइन करो, कोई भी एक साइन किया तो भी चलेगा, ये सब जगह पर है. स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, समझे मेरी बात, तो ये बेनिफिट है, तो दोनों का साइन जरूरत नहीं, डायरेक्ट सीएस है आपकी कंपनी में वो साइन करेगा, नहीं है खर्चा मत करो, डायरेक्टर साइन करेगा, कहानी खत्म हो गई सेक्शन नंबर 92 के तहत. ओके, तो नीचे पहला एग्जम्पशन एनुअल रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स कैन बी साइंड बाय सीएस, कैन बी साइंड बाय सीएस and if there is no CS in the company, if there is no CS in the company,
then can be signed by the director. Can be signed by the director. Can be signed by the director. उसके बाद में board meeting. अरे ये board meeting का point तो भी common है ना. वैसे साल में कितनी board meeting चाहिए? चार. But startup में है दो board meeting. और at least how many days gap? 90 days gap. ये point भी आपको याद आना चाहिए. Common point है ना, देखो ये. For startup, convening at least one board meeting in each half calendar year with a gap between two meetings should not be less than 90 days. ये भी हमने पढ़ा. Correct है. तो ये भी आना चाहिए. Second point लिखना, board meeting. Board meeting, at least one board meeting in half calendar year, at least one board meeting in half calendar year and the minimum gap of 90 days between two board meetings. Minimum gap of 90 days between two board meeting. Correct हो गया? Simple है बेटा. अभी ये देखो, यहाँ पे मैं एक point पढ़ा, sweat equity shares. Sweat equity shares के बारे में आपने पढ़ा होगा. Intellectual property. अरे जब एक startup की बात हो रही है तो intellectual property आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. Innovation आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. You know, patent आएगा कि नहीं आएगा? ज़्यादातर आएगा. करेक्ट है बात. तो आज वो स्वेट इक्विटी शेयर, आज कोई बेसिकली कंपनी को अपना टैलेंट दे रहा है, अपना इनोवेशन दे रहा है, तो यार स्वेट इक्विटी शेयर्स तो आने वाला है और उसके एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा रहेगा ना. समझो मेरी बात. तो कल जैसे कज़न ने, मेरे कज़न ने एक ऐप बनाया जिसके तहत जहाँ भी क्राइम हो रहा है उस वहाँ पर ऑन कर दिया, आसपास के सबको नोटिफिकेशन आएगा बीप 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 बीप. तो उस चक्कर में आज ये ज़रूरत है, अगर ये कल उठकर ये कंपनी बनाता है, ये प्रोजेक्ट बनाता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, ऐप क्रिएट करता है, तो वो बोलेगा भाई इस कंपनी मैंने अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिया है, मुझे क्या चाहिए? स्वेट इक्विटी शेयर्स विच इज़ अदर देन इन कैश, विच इज़ इन काइंड. काइंड मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. कौन से सेक्शन में कवर्ड है बेटा स्वेट इक्विटी शेयर्स? शेयर कैपिटल चैप्टर सेक्शन 43 से 70 के बीच में. कौन से सेक्शन में? एकदम ढक्कन आंसर. 53 में बोला गया है कि बेसिकली यू कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट सेक्शन 54. यू कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट सेक्शन 54. यू कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स एट डिस्काउंट, कम रेट पे. समझे मेरी बात? ये देखो मैंने इसने ओपन किया है, देखो 53, यू कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, बट 54 बोलता है, ये देखो यहाँ एक्सेप्ट सेक्शन 54 भी लिखा. अरे हाँ के नहीं. और 54 में क्या लिखा है? इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. क्या है इसमें, क्या पढ़ा आपने बताइए? क्लॉजेस बताओ स्वेट इक्विटी शेयर्स के. आप लोग अपडेटेड पढ़ रहे हो तो आप मुझे बताओगे, देख के बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, हुआ नहीं है तो देख के बताओ पॉइंट्स क्या क्या लिखे. वी नीड टू डिस्कस बिकॉज यहाँ पर आएगा ना उसका रेफरेंस. बोलो मुझे स्वेट इक्विटी शेयर्स का क्या पढ़ा है, देख के बताओ बेटा, आई डोंट माइंड. ऐसा सब चीज़ याद आना जरूरी थोड़ी ना. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, करेक्ट है बात. और क्या बोलेंगे पॉइंट पीछे बोला? हाँ हाँ, कौन बोल रहा है यहाँ से? हाँ तो समझे नहीं. हाँ यस, करंट मार्केट प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह सब बताना पड़ेगा, कितने शेयर्स किसको दे रहे हैं और क्या रेट पे दे रहे हैं, प्रेजेंट क्या है और डिस्काउंटेड क्या है, और क्लास ऑफ शेयर शुड बी सेम क्लास, अदर अनदर क्लास नहीं इशू कर सकते हैं. और बोलो विद इन वन ईयर, वन ईयर कंप्लीट होना चाहिए. ओके okay, और वो बायबैक के लिए था शायद, तो वन ईयर का बोल रहे हैं. स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहिए ना वन ईयर में, वो बायबैक करने के लिए वन ईयर का टाइम है, नॉट स्वेट इक्विटी शेयर. आगे बोलो. हाँ, कंसिडरेशन एंड बताओ ना, अरे देख के तो बताओ. प्रिंटेड नोट्स है ना सर ने दिए ना, वाले बुकलेट किसके हाथ में था? पहले हो गए क्या वो? ठीक है चलो. तो अब आप मेरे से ज़्यादा अपडेटेड हो, मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम है, क्लियर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ओके अब यहाँ ध्यान देखना, यहाँ पे देखो, द लिमिट विथ रिगार्ड्स टू स्वेट इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी इशूड बाय अ स्टार्टअप कंपनी फ्रॉम 25% टू 50%.
25% नॉर्मल कंपनी एज पर दिस ड्राफ्टिंग जो मुझे समझ में आ रहा है 25% तक स्वेट इक्विटी शेयर स्पीड अप कैपिटल का दे सकते हैं, बट स्टार्टअप चाहे तो 40% 50% तक भी स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू कर सकता है. लिखो ये पॉइंट, लिखो ये पॉइंट. द लिमिट्स हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग स्वेट इक्विटी शेयर्स. स्वेट इक्विटी शेयर्स हेडिंग लिखना है एग्जम्पशन में, बेनिफिट्स में वहां लिखने का. द लिमिट टू इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स, द लिमिट टू इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 25% to 50%, is increased from 25% to 50% in case of startups. In case of startups, from 25% to 50%. तो क्या होगा बेटा यहां पर, ये लिमिट वो ज्यादा स्वेट इक्विटी शेयर इन शॉर्ट इश्यू कर सकते हैं इतना ले. वैसे ESOPs भी फ्रीली, मतलब उसके ऊपर इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. अगर एक कंपनी को आप याद आ रहा है कि हमने स्टेजेस पढ़े थे, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एंड ESOP, अरे 10 स्टेप में से एक स्टेप क्या था बेटा, ESOP. कल के सेशन में करेक्ट है. तो मुझे बताओ अगर ESOP भी तो इंपॉर्टेंट है इनके लिए, तो ESOP में भी इनको काफी सारा फ्रीडम दिया है. करेक्ट. तो नेक्स्ट फोर्थ एग्जम्पशन लिखना, फोर्थ एग्जम्पशन ESOPs. Employee Stock Option Plan, ESOPs, dash करके लिखना. Startups are allowed to issue ESOPs. Startups are allowed to issue ESOPs to promoters. Startups are allowed to issue ESOPs to promoter. Two promoters, obviously, who are working as employees. Who are working as employees. Who are working as employees. Okay. अब deposits related clause है बेटा. Deposits के बारे में यहाँ पे इन्होंने clear बोला हुआ है. Okay. Deposits का जो लिमिट्स है, हमने सेक्शन 73 to 76 में क्या क्या था बेटा, थोड़ा सा ब्रीफिंग बताओ, क्या पढ़ा डिपॉजिट्स के बारे में. अरे आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, आप देख के दो. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर चीज़ याद रहेंगी, मैं बैरक खोल के रखता हूँ आपके सामने, आप मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है. डिपॉजिट्स का सेक्शन है, एक होता ना अपने ही लोगों से डिपॉजिट लेना और एक होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना. करेक्ट है बात, एक लिमिट सेट होती है ना पब्लिक से कब ले सकते हो. आगे लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, हेडिंग पढ़ो एटलीस्ट, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. आगे पढ़ते हैं हेडिंग, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, ये छोड़ दो. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय सर्टन कंपनीज, पब्लिक से कौन डिपॉजिट ले सकता है, कितना ले सकता है, थोड़ा सा रीड करके बताओ मुझे क्या समझ में आता है. पहले 73 पढ़ के बताओ, देखो 2 मिनट दे रहा मैं आपको, आप बताओगे डिपॉजिट्स क्या है. इजी है, आएगा आपको, देखो आराम से. बैंक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि बैंक तो डिपॉजिट वैसे ही पब्लिक से लेता ही है ना. करेक्ट है, तो ये बैंक्स को छोड़कर है. आगे पढ़ो क्या है उसमें, देखो रीड करो, मुझे आंसर चाहिए. सेकेंड पॉइंट तो इजी है, कंपनी सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग एंड सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ आरबीआई, ठीक है, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स. सेक्शन 73 डिपॉजिट किससे ले रहे हैं हम, सिर्फ मेंबर्स से ले रहे, और 76 में मेंबर्स के अलावा, मतलब किससे ले रहे बेटा, पब्लिक से. करेक्ट है ना बात, ऐसा कुछ पढ़ा, कितना ले सकते हैं, आपको पढ़ा होगा ना आपने,
10% 25% ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं? लिमिट्स पढ़ी होगी बेटा, अनसिक्योर डिपॉजिट, सिक्योर डिपॉजिट्स, एक सेकेंड ये भी पढ़ाता हूँ मैं, 76 देख लो एक बार का, 76. Notwithstanding anything contained in 73, a public company having a net worth as prescribed and turnover as prescribed, वो आपको क्राइटेरिया दिया रहेगा, may accept deposits from the person other than its members, subject to the compliance of section 73, subsection 2, advertisement, ये compliance, correct है, and provided that such company shall require to obtain rating from credit rating agency, AAA, BBB, ये rating लेना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये allowed है, provided further that every company accepting secured deposits from the public shall within 30 days create a charge, but यहाँ पर आपके कुछ लिमिट्स मेंशन नहीं किए। जनरली क्या होता है, अप टू 10% हम फ्रीली डिपॉजिट ले सकते हैं, मैक्सिमम 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल वगैरह हम ले सकते हैं, ये सब आपको पढ़ाया रहेगा जब आपने डिटेल में पढ़ा रहेगा डिपॉजिट्स का चैप्टर, बट ये जो 25% है ये लिमिट बढ़ा दी है फॉर स्टार्टअप्स। ओके, देखो एक होता है मेंबर से कितना ले सकते हैं, एक हो सकता है पब्लिक से कितना ले सकता है, एक होता है ओवरऑल लिमिट कितना है, ये सब पढ़ाया रहेगा आपको, ठीक है ना बात। तो ओवरऑल लिमिट मेरे को जितना आता है 25% है, ओके, बट स्टार्टअप्स को अलाउ किया गया है, ये पढ़ो, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन क्लॉज ए टू ई ऑफ सेक्शन नंबर 73 शैल नॉट अप्लाई टू स्टार्टअप्स फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये डिपॉजिट्स इजी कर दिया है, और अब ये देखो अपर लिमिट इज एनहांस टू 35% इंस्टेड ऑफ 25%। तो ये दो चीज है आपको समझना है, कुछ नहीं है, डिपॉजिट्स में एग्जम्पशंस है और डिपॉजिट थोड़ा ज्यादा रेस कर सकते हैं, इतना आपको लिख के आना चाहिए। लिखो आप फोर्थ एग्जम्पशन डिपॉजिट्स, फिफ्थ है क्या डिपॉजिट्स, वहां पे लिखने का डिपॉजिट्स में द अपर लिमिट ऑफ 25% अपर लिमिट ऑफ 25% अपर लिमिट ऑफ कितना 25% इज इंक्रीज टू 35% इज इंक्रीज टू 35% इन केस ऑफ स्टार्टअप्स, इन केस ऑफ स्टार्टअप्स, ठीक है। ये इन शॉर्ट डिपॉजिट्स में एग्जम्पशन है, बस इतना आपको याद रखना है, मेन मेन पॉइंट मैंने कवर किए हैं। तो एक सेकेंड इनकम टैक्स का बताओ पहले, ATIC कितने साल, 3 years करेक्ट, आउट ऑफ हाउ मेनी ईयर्स 7 years, प्रोवाइडेड टर्नओवर इज 0.1। पॉइंट टू मैट इज नॉट एप्लीकेबल, जब स्टार्टअप लॉसेस में भी है तो इनको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है उस फर्स्ट 5 years के लिए। थर्ड क्या है, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट, अगर आपने जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो गवर्नमेंट फंड्स में दिए तो आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, 3 साल तक का ये एग्जम्पशन है, और ये अमाउंट अप टू 50 लाख रुपीस हो सकता है, खत्म हो गया। बेनिफिट्स अंडर व्हाट कंपनीज है, बोर्ड मीटिंग साल में कितने, दो कितना आएगा, 2 या 4, 2। उसके बाद क्या आएगा बेटा, एनुअल रिटर्न साइन बाय CS और डायरेक्टर, ये तो सबसे कॉमन पॉइंट हो गया अभी। थर्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है इसमें एनहांस कर दिया, उसके बाद डिपॉजिट्स में एनहांस किया, और ESOP वो फ्रीली आप अलॉट कर सकते हो, खत्म हो गया। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो थोड़ा लेंदी है, फंड्स कैसे रेस करते हैं, कंपनी में फंड्स कैसे रेस करते हैं, तीन पार्ट्स हैं बेटा, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स, सेक्शन 43 to 70, 72, 73 to 76 है डिपॉजिट्स, करेक्ट है। स्टार्टअप्स के लिए भी 4 stages हैं पैसे लाने के लिए, पहला स्टेज तो इक्विटी है, ओके, इक्विटी से उससे पहले वाला स्टेज है सीड कैपिटल असिस्टेंस, ये सुना होगा आपने, सीड क्या नहीं सुना है, सीड कैपिटल असिस्टेंस। दूसरा हो गया डेट्स, ओके, देन इक्विटी का ही आगे वाला वर्जन आएगा, यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट चल रहा है इक्विटी का, प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनीज एक्ट में आया, ग्रुप ऑफ पीपल सिलेक्टेड लोगों को ही शेयर्स ऑफर करना, प्राइवेट प्लेसमेंट, ओपन टू ऑल नहीं है स्टार्टअप्स, करेक्ट है। फिर यहाँ पे आएगा IPO, ओपन टू ऑल, तो पहले हम प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे
फिर मार्केट से थोड़ा लोन भी लेंगे, जब कंपनी अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी हम आईपीओ के लिए जाएंगे, एंड अदर कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मेथड्स इसमें और चीज़ ऐड हुई है। तो स्टार्टअप्स में पैसा रेस करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला इनिशियल कैपिटल, सीड, आप समझ रहे हो, सीड नाम से ही समझता है कि भाई कुछ शुरुआत है आपका ट्री का ग्रोथ करने का। तो पहला जो फर्स्ट पुश लगता है वो सीड कैपिटल असिस्टेंस बोलता है, और उसके बाद एक कंपनी बन गई, तामझाम रेडी हो गया, फिर हम मार्केट में जाकर लोगों को अपना प्रेजेंटेशंस देंगे, लोगों को बोलेंगे कि भाई देखो हमारा स्टार्टअप है, हमें पैसा दो, एंजल इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे, लोगों को इन्वाइट करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाएंगे, और उनसे प्राइवेट प्लेसमेंट करके पैसा लेंगे, दैट इज इक्विटी। एंड देन थोड़ा भी चल गया तो थोड़ा और क्या लेंगे, लोन, दैट लिवरेज, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, एंड देन विल गो फॉर आईपीओ। एक बड़े स्केल पे नाम हो गया, सक्सेसफुल हो गया, अब हम अपने कंपनी के शेयर्स मार्केट में देंगे, एंड देन देर आर अदर मेथड्स विच सेबी हैज इंट्रोड्यूस, आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो एक काम करो, नीचे लिखना है फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ स्टार्टअप्स, फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ स्टार्टअप्स, फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ स्टार्टअप्स। पहला लिखना सीड कैपिटल, सीड कैपिटल, सीड कैपिटल। दूसरा लिखना इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है, इक्विटी फाइनेंसिंग थोड़ा लेंथी टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे। थर्ड लिखना डेट फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग। फोर्थ लिखना बेटा आईपीओस, अब मार्केट में आपकी कंपनी नोन हो गई है, अच्छी खासी पॉपुलर है, आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एंड दिस अनकन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग, या अदर मेथड्स है, सॉरी इट्स अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग। ओके, सबसे पहले मैं सीड कैपिटल असिस्टेंस के बारे में बात करूंगा, इट इज़ नॉट गिवन इन योर मॉड्यूल प्रॉपर वे, FM के मॉड्यूल से उठाएंगे अपन, ये सीड कैपिटल कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना सीड मतलब क्या है, ये IDBI ने कंसेप्ट लाया था, जो भी टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, जिनके पास आइडिया है, उनको जस्ट एक कंपनी फ्लोट करनी है, तो कंपनी फ्लोट करनी है और उनको एक इनिशियल पैसा लग रहा है स्टार्टअप करने के लिए, सीड कैपिटल असिस्टेंस, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर ये IDBI ने इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पर आपको कुछ भी बहुत नॉमिनल रेट, इनफैक्ट स्टार्टिंग में जीरो रेट है, आपको एक कहीं ना कहीं हम लोन देने को तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली साउंड एंटरप्रेनर्स चाहिए, उनको एक नया कुछ वेंचर चालू करना है, वो लोग मार्केट में एक अच्छे खासे नोन लोग हैं, तो हम उनको एक फर्स्ट पैसा देंगे कि तुम एक कंपनी फ्लोट करो, जो स्टार्टिंग का प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन होता है वो IDBI ऑफर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज सीड कैपिटल असिस्टेंस। वेरी सिंपल, देखो यहाँ से समझेंगे आपको, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए देता है वो, द प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड हाउ मच, 2 करोड़, समझे मेरी बात। उसके बाद मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वो देगा 15 लाख रुपीस, प्रोजेक्ट ही 2 करोड़ का है, हम देंगे 15 लाख रुपए जो प्रोमोटर को देना पड़ता है, समझे मेरी बात, शुरुआत करने के लिए। फिर बाकी पैसा 2 करोड़ का, बाकी पैसा आपको जा के लोगों से इक्विटी लेकर आना है, प्राइवेट प्लेसमेंट, कि रतन टाटा के पास गए, उनका अपना प्रोजेक्ट बताया, रतन टाटा को प्रोजेक्ट पसंद आया, पैसे लगाए, अमिताभ बच्चन के पास गए कि सर देखो हमारा ये इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियलिस्ट और जो लोग बैठे हैं पैसा लेके बैठे हैं, इनको अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करो, तो स्टेप 2 आ जाएगा, दैट इज इक्विटी। बट एक स्टार्ट जो लगता है ना, पुश, कंपनी बनाना, लाइसेंस लेकर आना, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, फिर थोड़ा सा फंडिंग्स, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, वो सब जो खर्चा लग रहा है स्टार्ट वाला, वो होता है सीड कैपिटल असिस्टेंस। IDBI वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट दिस, एंड यहाँ पर उनका प्रॉफिट मेकिंग ये नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छे क्वालिफाइड एंटरप्रेनर्स को पुश करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो शुरुआत ले, बाकी अपने आप उनको फाइनेंसर्स और इन्वेस्टर्स पैसा देंगे, समझे मेरी बात। तो देखो रीड करते हैं, सीड कैपिटल असिस्टेंस इज द डिजाइंड बाय IDBI
for professionally or technically qualified entrepreneurs and or persons possessing relevant experience, skills and entrepreneur traits, qualities but lack adequate financial resources. बिजनेस में एक एक रुपए मैटर करता है. बोले सो इतना अमाउंट में कैसे होगा, अरे खुद का पैसा भी तो डालेंगे हम, तो तब एक पुश मिलेगा ना. ऑल द प्रोजेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर सीड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम IDBI डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सीड कैपिटल असिस्टेंस इज इंटरेस्ट फ्री, 5 साल तक तो कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा. आपको सिर्फ सर्विस चार्ज देना है उनको, प्रोसेसिंग कॉस्ट, हर साल का मेंटेनेंस कॉस्ट वो तो देना पड़ेगा ना. एक तो आपको पैसा दे रहे हैं, आपसे कुछ ले नहीं रहे, करेक्ट है. फिर एटलीस्ट उनका रिकॉर्ड कीपिंग चार्जेस, एग्रीमेंट चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, ये देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा. तो देखो, सीड कैपिटल असिस्टेंस इज इंटरेस्ट फ्री बट कैरीज अ सर्विस चार्ज ऑफ 1% फॉर द फर्स्ट 5 years एंड एट अ इंक्रीजिंग रेट देयर आफ्टर. 5 साल में हम सिर्फ 1% चार्ज करेंगे, उसके बाद अब बस हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें चार्ज चालू कर देंगे. समझे मेरी बात? तो एक पुश करने के लिए, जिसके अंदर एक जैसे एग्जांपल है कि कल उठकर मेरा एक कज़न है, नॉट माय कज़न, माय फ्रेंड्स कज़न, ठीक है, ही वाज अ बैंक, यू नो मतलब ये क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में तगड़ा पैसा कमाया उसने, एक एक दो दो करोड़ रुपए उसकी सैलरी पैकेज होंगी, मेरी बात मानना. और ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ए वेरी एक्सपीरियंस, ठीक है. तो वो अभी क्या हो गया, उन्होंने एक ऐप निकाला है, जो नहीं क्या मैंने आपको बोला, क्लिक ऑफ अ बटन सेकेंड्स में आपको लोन दिया जाएगा, सिर्फ पैन नंबर डालो, ऐसा कुछ तो हमने निकाला था, NBFC टाइप कुछ क्रिएट कर रहे थे. तो वो बंदा ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का 10 साल का एक्सपीरियंस है, अब वो बाहर आया मार्केट में, अब उसको एक NBFC क्रिएट करना है, करेक्ट है. अब NBFC क्रिएट करने पहले छोटे से होगी, फिर बड़े होंगे ना, फिर इन्वेस्टर लाएंगे, फंड्स रेस करेंगे, 300-400 करोड़ आएगा, लोग जुड़ेंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा, बट लोगों में जुड़ने तक तो पैसा लगने वाला है. बोले सर वो तो 1-2 करोड़ कमा रहा है ना. अरे बहुत कम पड़ता है पैसा. जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, बड़े लेवल का कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको वो जितना कमाया ना, आपने घर बेच के भी लगा दिया तो भी कम पड़ने वाला है. तो वो फिर क्या करता था, ही वॉज टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, ही वॉज एक्सपीरियंस पर्सन, उसका 10 साल का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, तगड़ा एक्सपीरियंस है, उसका रेप्यूटेशन है. वो IDBI के पास अगर गया और बोला देखो मैं नया चालू कर रहा हूँ, मुझे सीड कैपिटल असिस्टेंस चाहिए, IDBI बोलेगा बेटा तूने नई एंटिटी क्रिएट कर रहा है और तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तू एज अ प्रोमोटर उसमें आ रहा है, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, 5 साल तक हमें इंटरेस्ट दे मत. समझेगा मेरी बात को? फिर वो पैसे से वो सारी कंपनी, RBI लाइसेंस, करेक्ट है ना बात, RBI लाइसेंस लेना, परमिशंस लेना, रजिस्ट्रेशन करना, ऑफिस बनाना, तामझाम करना, एक स्टार्ट मिल गया ना उसको. फिर उसने इन्वेस्टर्स को मिलना चालू किया कि मुझे पैसा चाहिए. उसको 5 लोग मिले जिन्होंने 10-10 करोड़ रुपए दिए, 50 करोड़ कंपनी में आ गए. अब वो 50 करोड़ रुपये उसने एसेट लिए, वो गिरवी रख के और लोन लिया. शुरुआत ऐसी होती है ना, करेक्ट है ना बात? तो यहाँ पर ये सीड कैपिटल असिस्टेंस टेक्निकली क्वालिफाइड स्किल्ड पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन, जिनके पास एक एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी है, इनको IDBI पैसा देगा 0 इंटरेस्ट पर. सिर्फ 1% आपको देना पड़ेगा, 5 साल तक इंटरेस्ट फ्री. बहुत बड़ी बात है बेटा. अरे 15% अगर लोन है, 15, 15, 15, 15, अगर वो 5 लाख के ऊपर 5 लाख ही इंटरेस्ट हो जाता है, 15 लाख के ऊपर 15 लाख रुपये इंटरेस्ट हो जाता है, वो पूरा 15 लाख माफ कर दिया आपके लिए, कोई करेगा क्या? 2 रुपये डिस्काउंट देने के लिए सोचते हैं. आप बोलो पार्ले जी 5 रुपये का 4 रुपये में दो, दुकान वाला. समझे मेरी बात? तो आज आपका पूरा इंटरेस्ट वेवर कर दिया है भाई, 15 लाख के ऊपर आगे के 5 साल का 15 लाख रुपए माफ है. आपको कोई टेंशन नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट देना है, मैं फ्रीली जाकर मार्केट में सर्वाइव कर पाऊंगा. सीड कैपिटल असिस्टेंस आपके मॉड्यूल में प्रॉपर नहीं लिखा है, यहां से हम थोड़ा सा ड्राफ्टिंग लिए. पहला स्टेप लिखो, सीड कैपिटल असिस्टेंस. सीड कैपिटल असिस्टेंस वहां पर लिखना 0.1 डिजाइंड बाय IDBI, डिजाइंड बाय IDBI, करेक्ट. 0.2 अरे इधर फ्रेंड से भी अगर हम पैसे लेते हैं, देते हैं ना 2-3 लाख रुपए, अगर ठीक है तो क्लोज फ्रेंड अलग बात है, पर कोई पैसा मांग रहा है कि भाई 5 लाख रुपए चाहिए, भाई इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बनिया हिसाब, ब्याज चाहिए सबको,
समझो मेरी बात को, करेक्ट है? अगर कोई आपका अनजान बैंक आपको फ्री इंटरेस्ट फ्री कोई लोन देता है क्या यार, कि भाई 15 लाख रखो तुम, जो होगा 5 साल तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं, पक्की बात है, फिर देखेंगे। तो IDBI ने सोचा ये बात, और IDBI इज अगेन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इज वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, करेक्ट है? तो पॉइंट टू लिखना, पॉइंट टू, फंड्स आर अवेलेबल टू, फंड्स आर अवेलेबल टू प्रोफेशनली और टेक्निकली क्वालिफाइड, प्रोफेशनली और टेक्निकली क्वालिफाइड एंटरप्रेनर्स, प्रोफेशनली और टेक्निकली क्वालिफाइड एंटरप्रेनर्स विच पजेस रेलेवेंट एक्सपीरियंस, विच पजेस रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, which possess relevant experience and skills but lack what? Financial resources, but lack financial resources, but lack financial resources, remote kab hai, acha, but lack financial resources. Again ikna next point bada, it is interest free loan for the first 5 years, it is interest free loan for the first 5 years, interest free loan for the first 5 years, okay. Next point, the project cost should not exceed 2 crore, project cost should not exceed 2 crore, theek hai na. Next point, maximum assistance will be 50% of promoter's contribution or 50% of promoter's contribution or 15 lakh rupees, whichever is lower. 15 lakh rupees, whichever is lower. ठीक है, तो ये स्टेप वन हो गया सीड कैपिटल असिस्टेंस. स्टेप नंबर थ्री पे मैं आऊंगा, स्टेप टू बहुत लेंदी है. स्टेप थ्री सिंपल है, डेट फाइनेंसिंग. डेट इज अ रिस्की फंड एंड विच इज चीपर फंड, येस और नो? अरे यार, तभी तो लोग लोन लेते हैं, आपने पढ़ा ये चीज, एवरी वन नोज इट वेरी वेल, करेक्ट है? तो अभी एक समझना, डेट फंड लाएंगे हम एक हद के बाद, पहले एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ गए, लोग अपने साथ आ गए, लोगों ने अपना इक्विटी में पैसा लगाया, अब हम थोड़ा सा तामझाम करेंगे, रिस्क लेंगे और प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे. तो डेट के तीन तरीके हैं एज पर मॉड्यूल, वैसे बहुत सारे तरीके हैं, करेक्ट है? लोन फ्रॉम बैंक और NBFC पहला, दूसरा ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, करेक्ट है बात? इंटरनेशनल मार्केट से लोन्स रेस करना, करेक्ट है? इजी, चीपर फंड है, बट फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क रहता है, 1%, 2%, 3% में लोन मिल जाता है भाई, बट वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, फॉरेन करेंसी लेते समय 60 रुपीज़ पर डॉलर आए, देते समय 70 हो जाए तो वैसे ही महंगा पड़ जाए, तो वो हेजिंग फ्यूचर्स वगैरह चालू हो जाता है यहाँ पे, करेक्ट है? तो ईजी लोन है, और ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एंड थर्ड इज CGTMSE क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. ये आज गवर्नमेंट ने ट्रस्ट क्रिएट किया है, 1 करोड़ तक भी अनसिक्योर्ड लोन मिलता है, जहां पर आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू सर्टन क्राइटेरियाज, उनके क्राइटेरियाज है. तो तीन तरीके बताए, कौन से तीन तरीके? लोन फ्रॉम बैंक्स और NBFC, सेकेंड इज ECB, ये पूरा EBCL के अंदर आएगा, ECB एक चैप्टर है आपको पार्ट ए के अंदर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग थोड़ा बहुत कैपिटल मार्केट्स में भी आएगा, मेरे को नहीं मालूम, करेक्ट है? वहाँ पे शायद है, बट EBCL में है, और यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस दिया कि इंटरनेशनल मार्केट से आपने लोन रेस किया. एंड थर्ड तरीका क्या बेटा? CGTMSE, बस ये तीन हेडिंग लिख के छोड़ देना है, लिखो वहाँ पे, एक लाइन लिख करो, डेट फाइनेंसिंग,
debt financing divided into three parts. Debt financing divided into three parts. Part one, loan from banks and NBFCs. Part one, loan from banks and NBFCs. लिख रहे हैं? Loan from banks and NBFC. Simple है. Mortgage loan, ये loan. Correct है. Part two, ECB. External commercial borrowing. इसमें दो routes हैं. Automatic route, approval route. वापस है. Without permission पैसा ला सकते हैं? Automatic. और आपको government permission, RBI involved हो गया तो approval route. कुछ एक हद तक आप ला सकते हैं. उसके बाद आपको permission लेनी है. ये सब पढ़ोगे आप. ठीक है, ईसीबी, ईसीबी को दो पार्ट बना लो बेटा. ऑटोमेटिक रूट पहला, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट दूसरा. सर ये कौन सा क्या है वो सब आपको आएगा ईबीसीएल में. कौन एलिजिबल है ऑटोमेटिक में, कौन एलिजिबल है अप्रूवल में, कितना अमाउंट तक के लिए एलिजिबल है, वो सब पढ़ोगे आप. एंड थर्ड इज सीजीटी एमएसई, सीजीटी एमएसई. ये एमएसएमई जो मिनिस्ट्रीज जो देखते हैं, इन्होंने क्रिएट किया है, गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है. इसका फुल फॉर्म लिखो बेटा, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. ठीक है, तो ये देखो हमने क्या कंप्लीट किया है. सबसे पहले इनकम टैक्स बेनिफिट्स, कंपनीज एक्ट के मेजर मेजर बेनिफिट्स जो बाकी नई जरूरतें नहीं है. उसके बाद में हमने देखा फंडिंग, फंडिंग कैसे आ सकता है. पहला फंडिंग क्या देखा, सीड कैपिटल असिस्टेंस. और डायरेक्टली थर्ड वाला देखा, दैट इज डेट फाइनेंसिंग थ्रू थ्री सोर्सेस. व्हाट आर द थ्री सोर्सेस, बैंक्स, NBFCs, then ECB and MSE. करेक्ट बात, ये आपके तीन सोर्स हो गए. इनकम टैक्स के तीन पॉइंट कवर किए, 80IAC, 3 years नो टैक्सेस. करेक्ट बात, कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट, मैट नॉट एप्लीकेबल. कंपनीज एक्ट के हमने देखे, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ESOPs, एनुअल रिटर्न, बोर्ड मीटिंग्स एंड डिपॉजिट्स में बहुत सारे एग्जम्पशन है. चलेगा, आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी. थैंक यू.